मार्च लूट महोदय, मार्च लूट। अधिकारियों से जरा उप मुख्यमंत्री जी पूछिएगा, हमको भी नहीं पता था मार्च लूट क्या होता है। मार्च लूट ये होता कि हैन तेन हैन गायब, कहाँ गया पैसा। विजेंद्र जी कह रहे थे हमारे अभिभावक हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ रह चुके हैं, बस मुख्यमंत्री ने। मैं वित्त मंत्री भी रहा हूँ और सुरेंद्र जी आपके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने। दूसरे की बात भी सुनिए जरा एक मिनट। सुरेंद्र जी आपके आपके दल के सुरेंद्र जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नियमावली में लिखा हुआ है सुरेंद्र यादव जी रिपोर्ट पेश करेंगे कि 80,000 भ्रष्टाचार में चला गया कि चला घोटाला में चला गया, तो हम लोग इसको कबूल करेंगे। अब आप बताइए, आप फिर ले आए हैं 2 लाख लगभग 38,000 करोड़ का। ये महोदय आश्चर्य है, लोग देखता है सुनता है तो लोग कहता है कि भाई पैसा जाता कहाँ है, ये क्या इन्फ्लेटेड करके बजट बनाया जाता है या भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है या मार्च लूट महोदय, मार्च लूट। अधिकारियों से जरा उप मुख्यमंत्री जी पूछिएगा, हमको भी नहीं पता था मार्च लूट क्या होता है। मार्च लूट ये होता कि हैन तेन हैन गायब, कहाँ गया पैसा। उधर तो सीएजी का जो रिपोर्ट है महोदय, इसमें अगर आप देखें सीएजी का वित्त लेखे खंड एक में अगर आप जाइएगा उप मुख्यमंत्री जी महोदय, तो इसमें इसमें साफ है कि 80,000 करोड़ का बिहार सरकार ने 19-20 में कोई हिसाब किताब दिया ही नहीं, खंड एक भी दिए। अब बताइए 80,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है कि बिहार सरकार ने उस पैसे का क्या किया। अब बताइए कौन क्या हो रहा है भाई, इसीलिए 80 घोटाले हो जा रहे। कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पर जो है नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, यह सीएजी का रिपोर्ट कब का है? ये 19-20 का है, ये रहा महोदय। अध्यक्ष महोदय हम तो अध्यक्ष महोदय बैठिए जरा महोदय, सीएजी का कंपोजिशन जो है उसका जो फंक्शन है, हर विभाग का 10% ही चेक करता है और बाकी का एवरेज बना देता है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब जांच कर लेती है तब जो सदन में रिपोर्ट पेश होता है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अभी एक कंप्लेन उनका है तो वो जांच का विषय है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जांच के बाद ही उस पर बोला जाता है, यही नियम है, क्योंकि फिर सदन में पेश होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट। तो माननीय चूँकि वित्त मंत्री जो है नहीं है, इसीलिए अपना ठीक है जो ज्ञान है उसके आधार पर बोल रहे हैं। अब तो सीएजी पे ही सवाल उठाया जा रहा है ना, मतलब अगर आप समझ नहीं रहे, सीएजी पर नहीं उठाया जा रहा है, सीएजी की प्रक्रिया का मैंने बताया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप ही के एक मिनट आप ही के दल के विरोधी, सबका समय आएगा, विरोधी ही उसके अध्यक्ष होते हैं, सबका विरोधी दल के लोग ही उसके अध्यक्ष होते हैं, आप ही का पार्टी का कोई होगा अध्यक्ष उसका। मैंने बताया कि सीएजी 100% नहीं करता, कभी कभी विभाग से हिसाब आने में भी लेट होता है, जो आप कर रहे 3 मार्च तक। अब जब सुनिए ना, अरे 30 मार्च तक नहीं है वो सीएजी जब भी देती है तो 5 साल का ना दे रही है, 5 साल का ना दे रही है सीएजी, आया बोलिए तो 1 साल का। ठीक है ललित जी, ठीक है हाँ। अरे महोदय देखिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ये तो हमारे समय को क्यों बर्बाद किया। नहीं नहीं, आपका समय का बर्बाद नहीं, सदुपयोग किया जा रहा है। तो कई माने का उत्तर क्या होगा फिर? कई माने सरकार का उत्तर कौन देगा? मैं कई माने नए सदस्य भी बैठे हैं, क्या मतलब, थोड़ा जानकारी भी चाहता है कि ये रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचाराधीन होना चाहिए,
और नियम 236 नियमावली के अंदर। अच्छा ठीक है, बोलिए अध्यक्ष। ये सारा 19-20 का है, 19-20 का है। तो या मानना ही नहीं तो बटवाते क्यों है फिर? नहीं नहीं, मानना ही नहीं तो बटवाते क्यों सदन में, ले ही क्यों करवाते? फेंक दीजिए, फेंकवा ही दीजिए। चलिए बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, कोई मतलब नहीं हुआ। हम तो अपना बात नहीं ना कि कल्पना कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा किया गया। हम तो जो डेटा है, जो साइंटिफिक डेटा है, जो एजेंसियां है संवैधानिक, उसी की ना बात कर रहे हैं। तो उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे, मतलब सच सुनने का किसी को ताकत नहीं। नहीं तो मिटवा दीजिए, या तो विजेंद्र जी कह रहे थे हमारे अभिभावक हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ रह चुके हैं, बस मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते, हम ये कहना चाहते, आप एक बात सुन लीजिए, मैं वित्त मंत्री भी रहा हूँ और सुरेंद्र जी आपके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री दूसरे की बात भी सुनिए जरा एक मिनट। आपने नाम तो ले लिया, सुरेंद्र जी आपके आपके दल के सुरेंद्र जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। नियमावली में लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया है फाइनल, तो उस मैटर को माननीय सदस्य भी हाउस में नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है, जांच में है। सुरेंद्र यादव जी रिपोर्ट पेश करेंगे कि 80,000 भ्रष्टाचार में चला गया कि चारा घोटाला में चला गया, तो हम लोग इसको कबूल करेंगे। ठीक ठीक, बहुत